आपके लिए सुपारी दिए लिया जा चुका है, आप सावधान रहिए, आप ईद के दिन मारे जा सकते थे लेकिन बाल बाल बच गए हैं। वो तो तीन बजे यहाँ से गया, हमको बोल कर गया कि अब एक घंटा में हमारे हैं बहरिया से, एक आदमी से मिलना है, मिल के हमारे। शहबाज की जो घटना हुई, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस इलाके में होनहार नौजवान के रूप में उभर रहे थे, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही थी, पेशे से वकील भी थे। प्रशासन जो है मुखदर्शक है बिल और अपराधी बेलगाम है। विधायक जी आज मरहूम शहबाज के यहाँ आए हैं, बताइए। इस घटना की खबर हमें मिली और मैं जीरादेई में था, वहाँ से चल दिया। आना तो और पहले चाहिए था लेकिन देर से हमको सूचना ही मिली, सोशल मीडिया से हमको जानकारी हुई तो मैं आया। तो बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना में चाहे जितना भी दुख व्यक्त किया जाए कम है। मैं सबसे पहले उनके परिवार के जो लोग हैं, खास करके उनके पिताजी हैं, इनको मैं कहूँगा कि हिम्मत रखें, और भाई लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि हिम्मत रखें। हम पूरे भाकपा माले परिवार, महागठबंधन परिवार, आपके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, और व्यक्तिगत तौर पे मैं एज ए विधायक के रूप में आपके परिवार के साथ खड़े हैं। जहाँ कहीं भी सहयोग की ज़रूरत है हम इनके साथ हैं, और लगातार मैं देख रहा हूँ कि पूरे सिवान में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, लगातार क्राइम की घटनाएं हो रही है और दिन दहाड़े अपराधी हत्या कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुपचाप खाना पूर्ति करके छोड़ देता है। तीन घटनाओं का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। घटनाएं तो हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद अभी तक मैंने गोली चलने की 25 घटनाएं हुई और हत्या की हमको लगता है कि 16 घटनाएं हुई, लेकिन इसमें 2-3 घटनाएं जो हुई है, एक तो ये शहबाज की जो घटना हुई, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस इलाके में होनहार नौजवान के रूप में उभर रहे थे, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही थी, पेशे से वकील भी थे। और जिस तरीके से इनको मार दिया गया, कुछ दिन पहले हमें पता, अभी पिताजी ने बताया कि उनको गोपालगंज के जादवपुर थाना से सूचना मिली थी, बुला करके लोगों ने बताया कि आपकी रेकी हो चुकी है, आपके लिए सुपारी लिया जा चुका है, आप सावधान रहिए, आप ईद के दिन मारे जा सकते थे लेकिन बाल बाल बच गए हैं। तो इस तरह की घटना पुलिस को थी, की जानकारी पुलिस को थी, और हमको लगता है कि जब गोपालगंज पुलिस को जानकारी थी तो सिवान पुलिस को भी इस पर गौर करना चाहिए था, लेकिन कोई गौर नहीं किया गया और सीधे तौर पे इनकी हत्या हो गई। तो ये सीधे सीधे दर्शा रहा है कि प्रशासन जो है मुखदर्शक है बिल और अपराधी बेलगाम है। और यह सिवान में दूसरी तीसरी जो घटना का मैं जिक्र कर रहा था, एक गोल्डन पासवान की हत्या हुई, दिन दहाड़े बहन को जो पहुँचा करके स्कूल से लौट रहे थे, मार दिया गया। चंदन कुशवाहा जो है गोरिया कोठी में हम लोग देखे कि उन्हें भी मार दिया गया, एक व्यवसायी थे और वो भी एकदम सीधा साधा आदमी, ये तो कोर्ट में कर्मचारी भी थे गोल्डन पासवान, और वो तो एक आभूषण के छोटा मोटा व्यवसायी थे। आज भी उनके पिताजी हमारे पास गुहार लगाते हैं, उन लोगों ने सड़क जाम किया था, बंद किया था, उस आंदोलन में एसपी से हमारी बातचीत भी हुई थी, पूरे डीएम से भी हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और सब लोगों ने कहा कि जी बी नगर थाना प्रभारी को हटाया जाएगा, वही वहाँ क्राइम का जड़ है, लेकिन वो पर भी कार्रवाई, छोटी सी मांग थी, वो भी कार्रवाई नहीं हुई और उनके परिवार को भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। गोल्डन पासवान वाली घटना में भी हम लोग देख रहे हैं कि आज भी वो परिवार न्याय के लिए हमारे पास कॉल करते रहता है, और आज पिताजी का जो दुखद चेहरा मैं देख रहा हूँ, भीतर से टूट चुके हुए हैं, जवान लड़का जिस बाप का सामने मार दिया गया हो, अब भले ही वो आँख के आंसू के रूप में नहीं दिखता है लेकिन भीतर में कितना दर्द है, और हम तो समझ रहे हैं कि इस पूरे इलाके के लोगों में काफ़ी इसकी पीड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन इसमें भी जैसा कदम उठाना चाहिए,
नहीं उठा पा रही है। अभी तक इस परिवार को प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया, कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ मैं थाना के अलावा कोई पूछने भी नहीं आया है, जबकि जरूर एसपी को, डीएसपी को तो कम से कम जरूर आना चाहिए, इनसे जानना चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशासन की इस तरह की कार्रवाइयों से ही अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, और हम पूरे बिहार में देख रहे हैं कि सभी जिलों में क्राइम का रफ्तार काफ़ी तेज है, अपराधी बेलगाम है, सरकार चुपचाप बैठी हुई है, सरकार असहाय है, इस तरह का पूरा माहौल है। इसमें किसी की भी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दिख रहा। हम मांग करना चाहते हैं कि तत्काल प्रशासन अपराधियों पर कार्रवाई जब करे। नामजदी लोगों ने FIR किया है, और साथ ही साथ इस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करे, इस परिवार के लिए आर्म्स का लाइसेंस दे, ताकि ये लोग अपनी सुरक्षा सेल्फ कर सकें। जवान बेटा आपका चला गया इस दुनिया से, मर्डर हो गया, तो आपको कितना उम्मीद है सीवान के प्रशासन से कि आपको न्याय मिलेगा? आश्वासन तो मिलता है जी, लेकिन अभी तक तो हमको कोई न्याय दिखाई नहीं दे रहा है, और ना कोई प्रशासन का देख रेख है, ना कोई सीखने आया अब तक। अगर थाना प्रभारी हैं जो आश्वासन तो देते हैं, लेकिन अब क्या कार्रवाई करते हैं तो करेंगे तब पता चलेगा। अभी तक तो कोई कुछ दिखता नहीं है, अब आगे देखिए क्या करते हैं। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, सुरक्षा की भी बात आ रही है? प्रशासन से कहना चाहेंगे कि हमको सबसे पहले सुरक्षा दिया जाए, इसलिए कि वो अपराधी अभी भी इसी इलाके में है। सुनने में आ रहा है कि वो इसी इलाके में रह रहा है, तो सबसे पहले हम सुरक्षा मांगेंगे, और उसके बाद हमको न्याय मिलना चाहिए। आखिर उसका क्या कसूर था कि मारा गया? क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा बताएं कैसे जो है हुआ? कुछ नहीं, वो तो तीन बजे यहाँ से गया, हमको बोल कर गया कि अब एक घंटा में हम आ रहे हैं बहरिया से, एक आदमी से मिलना है, मिल के हम आ रहे हैं। तो गया, और वो रियली में 3 बजे यहाँ से गया, और एक घंटा में वो वापस भी आ रहा था, जब तक रास्ते में उसके साथ घटना घट गया। आप लोगों को किसी पर शक है? हालांकि आपने नामजद किया है, 5 लोगों को नामजद किया है। हाँ, अज्ञात भी जो है। जी जी जी। तो वो जो नामजद है वो तो है ही है, और जो अज्ञात है वो भी कंफर्म है। जैसे उस दिन तक पता नहीं था, लेकिन अब वो भी कंफर्म है, और नामजद भी है कि सदाम का टीम है। सदाम एक क्रिमिनल है जो पहले से ही 2 लाख का इनामी है, और इसी क्षेत्र में रह भी रहा है। आप पता ना, हम तो गए थे तो हमको बताया लो कि वो इसी इलाके में रह रहा है, उस पर 14 थाना उसके पीछे पड़ी है, SIT की टीम पड़ी है, STF पड़ी है, इसी इलाके में रह रहा है, पकड़ा नहीं रहा है। तो मान लीजिए कि अब इसी इलाके में रह रहा है, तो हो सकता है कि आगे भी कोई घटना करे। तो हमको तो सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, उसके बाद प्रशासन से हमारा कहना है कि हमको न्याय मिलना चाहिए। कितने बेटे हैं आपके? अभी तो 3 हैं। और ये कितने नंबर के थे? ये वो थे तो 4 बेटे थे, तो वो 3 नंबर थे। अच्छा, जी जी। पढ़ाई उड़ाई इन्होंने? जी, बड़े वाले MBA किए हुए हैं, और ये शहबाज LLB किया था। अभी 12 जुलाई को LLB का डिग्री लेकर आया था, और वही वो तैयारी कर रहा था कि हमसे बार बार पूछ रहा था कि पटना रहे बैठे हैं या दिल्ली बैठे हैं, चूँकि लोकल में हम नहीं बैठेंगे, हम या तो पटना बैठेंगे या दिल्ली बैठेंगे। हम बोले देख लो तुम्हारा जहाँ दिल करे। तो शादी ब्याह हुआ था? ना नहीं, अरे शादी ब्याह नहीं हुआ जी, नहीं।